गुड मॉर्निंग। आज हम लाइसोसोम पर चर्चा करेंगे। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला एक सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल होता है और यह ऑर्गेनेल मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स में यह लोअर प्लांट्स में अधिकतर पाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे लाइसोसोम पे। तो हम देखते हैं लाइसोसोम को सबसे पहले कैसे डिफाइन करते हैं। यहां यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक यूकेरियोटिक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग एक ऑर्गेनेल जो है वो यहां पर पाया जाता है। और ये इस ऑर्गेनेल की खास बात ये है कि इसमें यहां ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल है यहां पे दिखाई दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसमें कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी बॉडीज। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, उनमें से ये सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल है। जैसे कि वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, या वैक्यूल्स भी नीचे बता रखी है। ऐसे पेरोक्सिसोम भी पाया जाता है इसके अंदर, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन। देन कई स्पेरोसोम्स वगैरह जो होते हैं, माइक्रोबॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग होती है। तो बात हम कर रहे हैं इसकी कि इसको डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर किया क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। ये क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जाता है, और इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में इसको जानते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसा हम बात कर चुके हैं इसके अंदर, और एक डेंस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक जो है वो एंजाइम्स जो है वो यहां इसके अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं, और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये इसके इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रासेल्युलर का मतलब सेल के अंदर यदि कोई डाइजेशन करना हो, तो बाहर से आए किसी पैथोजन का हो या कोई सॉलिड पार्टिकल्स का हो, तो वो होता है इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर जो है वो डाइजेशन करना। और इसी लाइसोसोम के द्वारा यदि कोई एंजाइम्स बाहर सीक्रेट किए जाते हैं और सेल के बाहर यदि कोई डाइजेशन होता है तो उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है कहा जाता है। और वर्ड लाइसोसोम जो है वो दो दो टर्म से मतलब बना हुआ है। इसको यदि हम देखें दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन करना। लाइसिस का मतलब जो होता है वो है ब्रेकडाउन करना। यहां यदि हम देखेंगे लाइसिस वर्ड जो है और इसका मतलब है ब्रेकडाउन। और दूसरा है सोमा, सोमा यानी काय, काय यानी बॉडी, उसके नाम से इसको जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और जो कि इसके किसी भी पदार्थ के सेल के अंदर और सेल के बाहर डाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहां यदि हम इस ऑर्गेनेल को देखें इसको, तो ये हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ से इसकी मेम्ब्रेन नजर आती है, और यहां सिंगल मेम्ब्रेन जो हम जिसके हम बात कर रहे हैं, साथ ही इसमें कई सारे एंजाइम जो है वो इसके अंदर नजर आएंगे। और ये बाहर की तरफ इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के नाम से, जहां से ये जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वो इसके नजर आ रहे हैं। तो ये इसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल की स्ट्रक्चर है। और मोस्ट ऑफ दी यदि हम देखें कि ये जो है जाने जाते हैं एनिमल सेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ दी होते हैं, और कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर जैसे हमने बात की अभी उसमें पाए जाते हैं। स्लाइम बोल्ड से सेप्रोफिटिक जो मृतजीवी जो फंजाई होती है, कवक होती है, उसमें ये अधिकतर पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली उपस्थित होते हैं। ठीक है, यदि हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम में ये अनुपस्थित होते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि सबसे ज्यादा यदि संख्या यदि देखी जाए सेल्स में, तो ये बहुत ज्यादा नंबर जो है इसके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइमेटिक रिएक्शंस में ये काम आते हैं। तो कौन सी सेल्स होती है ऐसी जिसमें ये ज्यादा होते हैं? यदि एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहां लिवर सेल्स है, पेंक्रियाटिक सेल्स है, किडनी की है, स्प्लीन सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स या मैक्रोफेजेस के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो लाइसोसोम्स बिना किसी ऐसी स्पेसिफिक शेप का कोई स्ट्रक्चर होती है, कोई ऐसा फिक्स इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये एक्चुअल में प्लियोमॉर्फिक होती है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि उसकी शेप जो है वो इसकी चेंज होती रहती है।
कारण यह है क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन जो है वो हम जानते हैं कि उसके अंदर फ्लूडिटी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ यदि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी, तो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मेम्ब्रेन जो है उसके चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है लिपिड की, और ये लिपिड की स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखाई दे रही है, और ये बाहर प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, कई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन है यहाँ पर, जो कई क्योंकि ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन जो है वो इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उसकी सिंपल है, और मोस्ट ऑफ द ग्लोबुलर या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो है कणीय जैसी संरचना इसकी नजर आती है, और यहाँ पर यदि हम देखें 0.2 से 2.5 माइक्रोमीटर की साइज यदि इसकी होती है, और ये सिंगल लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन जो होती है उससे बनी हुई होती है, जिसे हम एकक झिल्ली कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्पेसिफिक दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं ये, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर जो रहते हैं, यही एंजाइम जो होते हैं पाचन का काम करते हैं, और यही एंजाइम यदि इस लाइसोसोम्स के बाहर सीक्रेट हो जाता है, तो वो बाहर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर कोई जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो कभी कभी गलती से ये वो अंदर के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के, उनको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है, तो वो उसके लिए घातक सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एंजाइम जो होते हैं ये इनकी खुद की मेम्ब्रेन को डिग्रेड क्यों नहीं कर पाते? तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे इसमें लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इसमें ये LAMP लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरे होते हैं LIMP। LIMP का मतलब लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं न केवल इस मेम्ब्रेन को सपोर्ट इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां हम देख सकते हैं ये जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं ये मेम्ब्रेन में कहां नजर आ रहे हैं हमें, यहां से यदि हम देखें तो इस मेम्ब्रेन में ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स यहां पे लगे हुए हैं, और ये बाहर की तरफ प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बाहर की स्ट्रक्चर को अटैच रखते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं, ये ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स का काम करते हैं, और यहां पर दूसरे प्रोटीन जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है, वो LIMP, ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये दे रखा है। तो जो एंजाइम्स होते हैं जैसे बीटा ग्लूको सेरेब्रोसाइडेज, उस एंजाइम जो होता है उस एंजाइम के लिए ये काम करती है साइट। तो ऐसे प्रोटीन जो है वो यहां पर इसमें उपस्थित होते हैं, और ये दोनों ही प्रोटीन जो होते हैं वो इसकी कोट में और इनर मेम्ब्रेन सरफेस की तरफ रहते हैं, और इसका काम जो होता है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो जैसे इसमें रिटेन इनसाइड ये जो है इसको मेम्ब्रेन को डिग्रेड नहीं करे, उससे बचाने का काम जो है वो ये प्रोटीन करते हैं। अब है कि ये मेम्ब्रेन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें हाइड्रोजन प्रोटोन पंप भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोटोन पंप ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, और इसका कार्य क्या होता है, इसका काम है कि ये मेंटेनिंग पीएच कंडीशंस ऑफ द एंजाइम्स, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं ये एंजाइम में, यानी कि जो मीडियम होगा जिसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं वो मीडियम एसिडिक मीडियम होता है, और इस एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम जो है वो यही प्रोटोन पंप जो है करते हैं। इसमें ये इंश्योर करते हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो फंक्शनल रहे, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में रहे, एसिडिक मीडियम को बनाने का काम, उसको मेंटेन रखने का काम यही प्रोटोन पंप करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी इस ऑर्गेनेल में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यहां यदि हम देखते हैं ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं, तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम जो है वो प्रोटॉन पंप करता है। तो यहां ओवरऑल यदि हम देखें इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम जो है स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो करते हैं, जो हमने बात की हम यहाँ पे LAMPs और LIMPs प्रोटीन जो इंटीग्रेटेड और एसोसिएटेड प्रोटीन। साथ ही हम देखते हैं आयरन और मेटाबोलाइट ट्रांसलोकेशन का काम भी ये करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ वेसिकुलर एंटीपेज है, साइलिन, क्रिस्टेनोसिन, म्यूकोप्लाइन, ABC ट्रांसपोर्टर वगैरह, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट मेटाबोलाइट फंक्शनली रिपोर्टेड, तो 20 से ज्यादा प्रकार के मेटाबोलाइट जो होते हैं वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। साथ ही हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो है वो भी हेपेरिन,
ग्लूकोसिनमिडेज एंड एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, साथ ही इंट्रा मेम्ब्रेन प्रोटीजेज जो है वो भी एंजाइम्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ टेफलिंग का काम, मेम्ब्रेन फ्यूजन का काम जो है वो भी यहाँ पर ये करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे अननोन जो फंक्शंस होते हैं वो भी इसमें इस मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखें लाइसोसोम के दो प्रकार हमें नजर आते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। हम बात कर रहे हैं पहले प्राइमरी लाइसोसोम की। प्राइमरी लाइसोसोम यदि इस डायग्राम में यदि हम देखें तो हमें यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम यानी कि एसी वेसाइकल्स या ऐसे लाइसोसोम जिसमें एसिड हाइड्रोलिजेज एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, यानी कि ये जो बनते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कैसे के थ्रू बनते हैं। तो गोल्जी बॉडी से जब ये वेसाइकल्स बनती है तो उसमें ये ऐसे एसिड हाइड्रोलाइजेस एंजाइम कंटेनिंग वेसाइकल्स जो होती है ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाती है, जो सेक लाइक बॉडी होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लाइसोसोम जिसमें एंजाइम कंटेंट रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, वो अब सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम किसे कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम में प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम, यानी कि इस डायग्राम में यदि हम देख सकते हैं कि ये तो है प्राइमरी लाइसोसोम, और ये प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज हो रही है? ये फेगोसोम के साथ। फेगो यानी कि ऐसी वेसाइकल जिसमें बाहर से सॉलिड पार्टिकल्स को इंगल्फ कर लिया हो और बॉडी बना ली, उसे कहते हैं फेगो लाइसोसोम, फेगोसोम। तो ये फेगोसोम जो होता है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर ये मिल जाते हैं। देखो प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम दोनों आपस में फ्यूज हो गए, तो फ्यूज होने के बाद में ये जो बॉडी कहलाती है ये कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये एंजाइम जो है वो इसको बायोकेमिकली इसको डाइजेशन का काम करेंगे। अब यहां पर आगे हम बात करें एंजाइम्स, लाइसोसोम में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो ये हम जान चुके हैं कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसका मुख्य काम होता है कि उस सेल के अंदर और सेल के बाहर डाइजेशन करने का काम करना, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर या हम इसको हम बात कर रहे हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम फिल्ड होते हैं जिस एंजाइम से, वो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलिजेस एंजाइम्स है सारे सारे इसमें। अब तकरीबन इसमें 40 प्रकार के अलग एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, 40 वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स। यदि हम उसको डिवाइड करें नीचे तो मुख्य कैटेगरी जो है वो ये हो सकती है। सबसे पहला प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। दूसरे हैं लाइपेजेस, लाइपेजेस जो लिपिड का या वसा का, इसमें लिपिड जो होता है लिपिड या वसा का, लिपिड का डाइजेशन करने का काम मुख्य रूप से करते हैं। एमाइलेज जो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, और न्यूक्लियेजेस जो डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। इसके साथ ही कुछ फॉस्फोरिक एसिड जो उसमें मोनोएस्टर भी पाए जाते हैं। और ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है 40, मुख्य रूप से इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो पूरा ग्रुप है एंजाइम्स का, इसको कहते हैं हाइड्रोलिजेस। तो कई बार वर्ड लिखा हुआ आता है कि एसिड हाइड्रोलिजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसका मतलब वो एक एंजाइम नहीं है, एंजाइम बहुत सारे हैं। तो ये ऐसे हमने टोटल संख्या देखी इसकी, तो मुख्य मुख्य जो एंजाइम है वो हम ये है, ये तो पूरा ग्रुप जो है हाइड्रोलिजेस कहलाता है। और इसका काम होता है कि पदार्थ को क्लीवेज करना, उसको तोड़ना, देन उसको डाइजेस्ट करने का काम करना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के ये डाइजेशन का काम करते हैं, और जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है जिसमें ये एंजाइम फंक्शनल होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एसिड हाइड्रोलिजेस एंजाइम कौन से मीडियम में फंक्शनल होते हैं, तो ये होता है कि पीएच कौन सी होती है, इसकी पीएच लो होती है यानी कि एसिडिक होती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे जो होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम इसके बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम को यदि हम चार्ट के रूप में डिवाइड करें तो मुख्य रूप से यदि हम देखेंगे तो तीन इसमें लाइसोसोम के प्रकार देख रहे हैं। प्राइमरी लाइसोसोम हमने पढ़ लिया कि जो गोल्जी बॉडी या ईआर से सीधा जो वेसाइकल डेवलप होती है जिसमें एसिड हाइड्रोलिजेस एंजाइम कंटेंट रहते हैं, वो फ्रेश बनी हुई जो है वो वेसाइकल प्राइमरी लाइसोसोम कहलाती है, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, जिसमें हमने देख लिया कि प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम के साथ, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसे एंडोलाइसोसोम भी कहते हैं, जो अंदर की तरफ बनती है। और तीसरी लाइसोसोम जो है टर्सरी लाइसोसोम, ये है फेगोलाइसोसोम जो टर्सरी लाइसोसोम के नाम से बनती है। प्राइमरी की बात हमने कर ली, जो न्यूली फॉर्म्ड है, जो एंजाइम इसमें इनएक्टिव रहते हैं,
और सेकेंडरी है जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम विद एंडोसोम होते हैं, जैम एक्टिव रहते हैं इसमें, और जो टर्शरी लाइसोसोम होती है जिसमें लाइसोसोम में डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो फेगोसोम को इंगल्फ किया दोनों मिल गए आपस में, देन आफ्टर डाइजेशन वो जो है वो टर्शरी लाइसोसोम कहलाती है जिसमें फेगोसाइटोसिस हो जाता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई एंजाइम की एक्टिविटी हमको देखने को नहीं मिलती क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। तो एंजाइम एक्टिव रहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में, न प्राइमरी में रहते न टर्शरी में हमें नजर आते हैं। फंक्शंस देखें तो वैरायटी, बहुत सारा वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो है वो लाइसोसोम के देखने को मिलते हैं हमें। यदि हम यहाँ देखें तो सबसे पहला जो है वो है पोजिशनिंग एंड मोबिलिटी का काम है, साथ ही जीन रेगुलेशन का भी काम है, मेटाबॉलिक सिग्नलिंग में भी ये हेल्प करते हैं, साथ ही एपोप्टोसिस सेल डेथ, एपोप्टोसिस सेल डेथ यानी कि एक सीक्वेंस सेल जो स्टेप्स होती है जिसमें सेल डेथ होती है उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयरिंग का काम भी है, वो भी इसमें लाइसोसोम इसमें हेल्प करता है। देन ट्यूमर इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस जो कैंसर का पार्ट है, ठीक है, उसमें भी हेल्प करते हैं। सेल माइग्रेशन में, सेल अडेशन जुड़ने में, डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि कोई भी टॉक्सिक पदार्थ होता है उसको डिटॉक्सिफाइज करना, वो टॉक्सिफिकेशन करना, ये काम भी लाइसोसोम करता है। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन का काम भी जो है वो इसके थ्रू होता है। साइटोटॉक्सिक किलिंग का काम, बाहर से भी कोई भी सेल के अंदर कोई टॉक्सिक पदार्थ होता है उसको डिग्रेड करना, उसको ये काम इसमें। एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम, माइक्रोबियल किलिंग का काम, डिग्रेडेशन में बहुत सारा है, बायोसिंथेटिक डिग्रेडेशन, एंडोसाइटोसाइटिक, फेगोसाइटिक, ऑटोफेजिक, ये आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डिग्रेड करना, सॉलिड पार्टिकल आ रहा है उसको डिग्रेड करना, लिक्विड पार्टिकल आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम करना, कोई भी यदि सिंथेटिक प्रोडक्ट है सेल के अंदर उसको डिग्रेड करने का काम करना, या स्वयं ही जो है वो किसी पार्टिकल को लेके उसको डिग्रेड करने का ऑटोफेजी वाला काम जो है वो भी इस लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें आगे अदर फंक्शंस में, यहां हम देख सकते हैं कि एंडोलाइसोसोमल पाथवे जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां हम कर सकते हैं, ठीक है, कि यहां पर एक लाइसोसोम है और लाइसोसोम जो है वो अर्ली एंडोसोम जैसे वो बना है, उसके बाद में लेट एंडोसोम जिसमें कोई पार्टिकल्स जो है उसमें इंगल्फ हो गए, देन यहाँ पर लाइसोसोम का निर्माण हो गया। उसके साथ ही यदि कोई फेगोपोर बाहर से फेगोसोम बनता है उस फेगोसोम के साथ मिलकर के ये एम्फिसोम, यानी कि फेगोसोम एंड देन एंडोसोम जो है लेट एंडोसोम दोनों मिल जाते हैं तो वो एम्फिसोम कहलाते हैं, और इसको ये डाइजेस्ट करने का काम जो है ये है ऑटो लाइसोसोम का काम कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है वो दूसरी फूड वैक्यूल्स के साथ मिलकर के उसको डाइजेस्ट करने का काम इंट्रासेलुलर, यहाँ भी हम देख सकते हैं एक लाइसोसोम जिसके अंदर दूसरे के साथ फ्यूज होकर के वो उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है, तो ये जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है। और इसके साथ ही जो डाइजेस्टेड फूड होता है यानी एक बार उसका पाचन हो गया देन उसको वो वैक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम, ठीक है, वो भी इसके थ्रू ये करते हैं जो सेल की ग्रोथ और एनर्जी के लिए में भी इसमें काम आता है। दूसरा है ऑटोलाइटिक एक्शन, यानी कि जिसमें सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं दे नीड टू बी गेट रिडन और कवर्ड बाय वेसिकल्स या वैक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑटोफेजी फॉर द ऑटोफेगोसोम, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यदि उस सेल ऑर्गेनेल्स को इन लाइसोसोमल जो वेसिकल्स होती है जो कि उनके द्वारा कवर्ड कर दिया जाए देन उसको डाइजेस्ट कर दिया जाए देन उसको हम कहते हैं ऑटोफेजी, ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में दिए ऑटोफेजी को देखेंगे। तो ऑटोफेगोसोम जो बनता है इज डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हम बात कर रहे हैं हेटरोफेजी, हेटरोफेजी का मतलब यह है कि जिसमें सेल के अंदर कोई एक्सोजिनस मटेरियल यानी बाहर से यदि सेल के अंदर कोई पदार्थ आ रहा है जिसे फेगोसोम कहते हैं या फेगोसाइटोसिस उस प्रोसेस के द्वारा यदि अंदर आता है या फिर यदि कोई लिक्विड पार्टिकल अंदर आ रहा है जिसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, इनके द्वारा सेल के अंदर यदि कोई बाहर का मटेरियल आ रहा है देन उस मटेरियल का डाइजेशन जो है वो न्यूली जो वेसाइकल बनी है लाइसोसोमल एंजाइम्स के साथ उसके साथ यदि डाइजेशन होता है तो वो हेटरोफेजी कहलाती है। ऑटोफेजी का मतलब है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, ठीक है, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल इन द बॉडी, ये होता है ऑटोफेजी।
एक्चुअल में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मली फंक्शन होता है जिसमें प्रोटीन डिग्रेडेशन जो होता है उसके द्वारा नॉर्मली ये फंक्शन होता है, डिग्रेडेशन के द्वारा इसको फंक्शनल किया जाता है। ठीक है, तो सेल को डिस्ट्रॉयड जो करना होता है ताकि वो पुरानी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, देन न्यू सेल जो है वो बनती रहती है। तो ये ऑटोफेजी जो है ये बहुत जरूरी भी होता है और ये नेचुरल प्रोसेस है और रेगुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है और प्रोटीन का डिग्रेडेशन के द्वारा होता रहता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो होता है जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम जो होती है कुछ ऐसे एंजाइम्स को सेल के बाहर सीक्रेट करती है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो बाहर सीक्रेट करती है तो वो मटेरियल जो है बाहर जाकर के डिग्रेड करने का काम करती है। जैसे मृतोपजीवी या सेप्रोफिटिक फंजाई जो होती है वो यही काम करती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं वो बाहर सीक्रेट करती है, देन पाचन करती है, देन उसे न्यूट्रिशन लेने का काम करती है। तो यहाँ पर यदि हम आगे देखें ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस को हम रेफर कर सकते हैं कि किलिंग ऑफ एन एंटायर सेट ऑफ सेल्स। ठीक है, पूरे सेल के सेट को ये खत्म कर देना स्वयं उसके द्वारा, ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। मान लो सेल के अंदर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकडाउन हो गई, एंजाइम सारे सेल के अंदर ही बाहर निकल जाएंगे और सेल को ही किल कर देंगे, जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। हम क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्फीबियंस के अंदर होता है, इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो होता है उसके दौरान ये ऑटोलाइसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यदि एनिमल सेल के अंदर हम देखते हैं वहां पर एक्रोसोम होता है जो स्पर्म का हेड होता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी लाइसोसोम होती है। तो उसका काम होता है कि एक की सरफेस के ऊपर जाकर के वो एंजाइम जो है रिलीज हो जाते हैं और उसको रप्चर करने का काम, डाइल्यूट करने का काम करते हैं ताकि वो स्पर्म जो है वो एक के अंदर एंटर, फर्टिलाइजेशन के लिए एंटर हो जाए। तो ये जो है एक है जेनिटर ऑफ द सेल एज, उसके लिए भी काम करते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं वो जंक यानी कि जो सेल के अंदर ऐसा जो वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा हो जाता है तो उसको हटाने का काम करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो डिजीज कोज करते हैं। तो ये काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ये लाइसोसोम का